नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा, नरवाला की आवाज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो नरवाला की आवाज। हम रूबरू कराएंगे आपको उजाना ब्लॉक के प्रधान सरपंचों के और रसीदा गांव के सरपंच देवेंद्र सिंह मंडल से। नमस्कार, सबसे पहले तो नरवाला की आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र शर्मा जी। नरवाला की आवाज चैनल हमने काफी बार सुना था, लेकिन आज आपसे रूबरू हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों का धन्यवाद जो आप मेरे गांव में मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए आए। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपका कार्यकाल है वो कैसा रहा? अभी चला गया तो अभी जो अभी तक आपका बताया नहीं गया, अभी तो कंफर्म नहीं है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, उससे पहले आपका आज तक का एक्सपीरियंस क्या है? ऐसे तो मैं राजनीति में काफी सालों से 14-15 सालों से काम कर रहा था, तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, जो लोग अपने साथ जुड़े हुए थे उनके लिए काम कर रहे थे, लोगों की सेवा करते थे। और फिर उसके बाद जो मेरे कुछ लोग थे, जैसे मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे कुछ, तो उन लोगों के जब काम नहीं हुए तो फिर मैंने एक सोचा कि क्यों सरपंच का इलेक्शन भी क्यों ना लड़ा जाए, ताकि अपने गांव का विकास और अपने जो साथ लोग लगे हुए हैं उनका काम अच्छे तरह से अच्छे तरीके से होना चाहिए। और मुझे एक शौक भी था, मेरा गांव पहले भी बहुत टाइम पहले भी सरपंच होते थे सरदार मोहन सिंह, उनके टाइम में भी स्वच्छता अभियान में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आया था। मैं भी मेरा भी एक उद्देश्य था ये भी मैं सरपंच बनूं और मेरा गांव जिले में और डिस्ट्रिक्ट में और पूरे हरियाणा में फर्स्ट आए, तो ये हमने करके दिखाया। मेरा गाँव स्वच्छता अभियान में जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ी थी स्वच्छता अभियान पे, उसमें मेरा गांव ब्लॉक में भी पहले नंबर पे आया और जिले में भी पहले नंबर पे आया। 1,00,000 रुपए हमारे को इनाम मिला था जिले की तरफ से और 1,00,000 मिला था ब्लॉक की तरफ से, और स्वच्छता अभियान में भी मेरा गांव फर्स्ट है। फिर दूसरा जो स्कूल था सरकारी स्कूल, हमारा प्राइमरी का स्कूल है, वो भी मेरे कार्यकाल में हमने उसमें काम कराया था, तो वो भी जिले में मेरा फर्स्ट आया पहले नंबर पे, 2 बार फर्स्ट आया। सर ये बताइए कि आपके इस कार्यकाल में आपको क्या क्या कठिनाई आई? मुझे इस कार्यकाल में कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि मैं जिस भी MLA के पास या जिस भी MP के पास गया हूँ, मुझे किसी ने किसी काम के लिए कभी मना नहीं करा, क्योंकि वो लोग भी ये देखते थे कि मैंने, तो सबसे बड़ी बात यह है मैं सरपंच बनने के बाद मैंने कभी भी पार्टी ये नहीं पार्टी लेवल पे किसी को नहीं देखा इसलिए मुझे वोट करी या नहीं करी। मैंने पूरे गाँव में भी आप जाके पूछ सकते हो, मैंने पूरे गाँव का सबका साथ सबका विकास उस हिसाब से मैंने काम करा है, और इस करके मुझे मेरे गांव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो लोगों ने मुझे गांव के लोगों ने जो मुझे मेरा पूरा साथ दिया। आपके गांव में MP और MLA ने कितना काम करा है जो फिलहाल की बात करें तो? अभी तो MLA ने हमारे गांव में आप ये लगाओ कि कोई काम नहीं है, क्योंकि MLA सरकार अभी नहीं बनी है, तो MP के पास हमारे एक तो काम हुए थे, तो वो उन्होंने जो काम लिए थे उन्होंने हमारे काम करवा दिए थे। कोरोना के तहत भी जो एक वो महामारी चली हुई थी उसमें भी एक मुझे MP साहब का, मैडम सुनीता दुग्गल जी का भी फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा था भी कोरोना की बीमारी चल रही है, अगर सरपंच साहब किसी भी तरह की कोई जरूरत होगी गांव के लिए, मतलब कोई मुसीबत का टाइम है या क्वारंटाइन करने का टाइम है या किसी पेशेंट आता है, तो हमारे तहत जो भी सेवा होगी हमारे को बताना, हम आपके बिल्कुल साथ खड़े। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात के लिए, मैडम जी ने सुनीता दुग्गल जी ने मुझे फोन कर दिया बात होगी। और गांव में क्या क्या काम हुए हैं सर? कुछ अच्छे काम भी पहले नहीं थे जो आपने अभी करवाए हैं? मेरे गांव में सबसे बड़ी पानी की समस्या थी, गंदे पानी की निकासी की। मैंने ये हमारा गांव जब काम के बदले अनाज देती थी सरकार, तब हमारा इसकी तालाब की जो गंदे पानी का तालाब है उसकी खुदाई हुई थी, लेकिन मैंने उसके बाद ये पानी पूरा निकाल के तालाब की खुदाई करवाई है। उसके बाद पहले हमारा गांव में जो पानी घरों के अंदर चला जाता था, गली नालियों में चला, नाली गलियों के अंदर भी पूरा पानी 1.5-2 फुट घुस जाता था। मेरे कार्यकाल में मैंने ये पानी की जो समस्या थी, मेन समस्या हमारे पानी की, वो मैंने समाधान इसका करवा दिया। आपको लगता है कि काम अच्छे किए हैं और गांव वालों को लगता होगा आपके काम अच्छे किए, आगे का क्या प्लान है सर? अभी इलेक्शन शायद फरवरी में हो जाएंगे, तो उसके आगे का और प्लान है कुछ आपको इसके बारे में? मुझे लगता है या क्योंकि मैं भी हर टाइम लोगों के बीच में रहता हूँ, जो जो लोगों की बात है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि पीछे 20-30 साल में जो आज तक काम नहीं हुए थे या 40 साल से आज तक जो काम नहीं हुए थे वो मैंने करवाए हैं, 40 साल रुके हुए काम भी, तो आगे के लिए भी लोगों का इतना प्यार है, लोग खुद आगे घर पे कहते हैं, कहते जी एक प्लान सरपंची का और लड़वा,
तो पहली बात तो शायद हो सकता है सर्वसम्मति से सारा गांव सरपंच बना दे, सर्वसम्मति से ना बना तो इलेक्शन तो जो चुनाव है सरपंच का वो जो अपनी पार्टी के लोग हैं जो साथ लगे हुए हैं लोग, क्योंकि वो ये देखते हैं अभी जो इस सरपंच ने विकास करवाया वो आज तक अभी हुआ ही नहीं है। आप पूरे गांव में जाके कहीं पूछ सकते हैं, किसी प्रशासन वाले से पूछ सकते हैं, आंध गुआन में जितने भी गांव हैं आप उनसे भी पूछना, रशिका गांव में बहुत ही अच्छे काम हुए जो कार्यालय रुके हुए थे वो सारे नए काम हुए। मेरे गांव में सबसे पहले तो मैं एक बात बताना आपको चाहता हूँ, जो प्राइमरी का स्कूल था हमारे गाँव में आज तक जो भी सरकार ने उसमें कार्यालय करवाया था वही काम हुए थे आज तक, जो कि आज तक किसी भी सरपंच ने उसमें एक 10 रुपए का काम भी नहीं करा था, इनके एक ईंट तक नहीं लगाई थी। हमने वहाँ पे अच्छे से ब्लॉक लगवाए हैं, पार्क बनाए हैं, खेल के मैदान बनवाए हैं और रंग रोगन करा के रिपेयर करवा के एक स्कूल को हम जिले में प्रथम स्थान पर ले गए हैं। सबसे पहला तो ये काम। दूसरा काम जो निकासी का मैंने बोला था, तालाब की निकासी, वो सबसे बड़ा एक समस्या थी हमारे गाँव के लिए, हमने एक वो भी इसका निपटान करवाया है। तीसरी बात है कि ये है जो जगमग योजना के तहत सबसे पहले रिशिता गांव को हमने ये जगमग योजना में करवाया था, अब हमारे गांव में 21 से लेकर 24 घंटे तक लाइट चल रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। सरकार का बड़ा अच्छा कार्य था जगमग योजना के तहत ये जो गांव दिए गए थे उसमें एक मेरा गाँव भी था, वो हमने पूरा सहयोग करके ये जगमग योजना में हमने करवाया। धन्यवाद सतत साहब, आप देख रहे थे सुन रहे थे हमारे रशिदा गांव के सरपंच और ब्लॉक जो उजाड़ा ब्लॉक है उन सरपंचों के प्रधान भी हैं हमारे रशिदा से देवेंद्र जी मंटा, आप सुन रहे थे और जो गांव का समस्या थी वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समस्या का समाधान भी करवाया। और बिजली की बात करें तो नरवाना के किसी भी गांव के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं आती, सिर्फ रशिदा गांव के अंदर आती है, वो भी सरपंच साहब मेहनत के तौर पर सभी काम कर रहे हैं। आप देख रहे थे वीरेंद्र शर्मा को नरवाना की आवाज़ में। धन्यवाद।